हसरत कोहानी को एक अंग्रेज ने किताब में लिखा है कि ये हसरत कोहानी इंडिया का फर्स्ट क्लास लीडर था, लेकिन थर्ड क्लास में सौ रुपए दिए गए इनको मुस्लिम लीग की तरफ से कि फलाम जिले का दौरा करके आए, शमसुल हसन आपके सेक्रेटरी थे, पैसे उन्होंने दिए, तो इन्होंने आके, और ये एमएलए भी थे, एमएलए भी थे, ये जब आए तो इन्होंने पैसे रुपए वापस किए। तो कहते हैं भाई ये कैसे, मैंने कहा मियां बात सुनो, अगर मैं थर्ड क्लास में जाता था किसी रिश्ते में सो जाता था, ये मेरे पास लुटिया है एक और एक रिश्ता है, कभी प्लेटफॉर्म में सो जाता ताकि मैं कौम का पैसा बचा। सरदार अब्दुल्लाह निश्चर को तो मैंने खुद भी देखा, मिला भी इनकी, और ये मैं जब तकरीर मैंने किताब भी लिखी है इन पर, और वो अशरफ वली थे अवैसर, तो उनसे मैंने कुछ फोटो इनके निश्चर बालक निश्चर जो किसी बैंक का चेयरमैन है, मैंने फोटो मंगवा के रिवाइज एडिशन छापा, तो मैं तकरीर कर रहा था निश्चर साहब पर, तो वहां पर ये भी बैठे हुए थे और एक फॉरेन सेक्रेटरी साबक वो भी बैठे। जब मैंने कहा कि जमील लश्कर को जब ये गवर्नर बने और ये जाने लगे कार पर, तो सरदार साहब ने कहा कि भाई ये कार तो गवर्नर को मिली है, लाग बुक में क्या लिखा जाएगा, तो तुम्हारी तो साइकिल आ चुकी है, तो ये जब तक ये गवर्नर रहे जमील लश्कर, जमील लश्कर फिर मुझे खुद भी मिले, ये साइकिल पर गवर्नर का बचा जाता है। और जब ये कराची से बीमार होकर गए, वो एक मंजर आप कभी अखबार में देखते, तो पूरा महादिर कराची का स्टेशन पे पहुंचा हुआ है और कह रहा था आप हमें ये दीन का निकाल दो, इन्होंने मैं भी उसमें शामिल था, मैं तो कारकुन बैंक का एक रुपये रोजगार देता था, मार्को भी फातमा जनाब से देता था, इन्होंने महाजनों की आबादकारी के लिए जो कराची में काम किया है वो एक बड़ा तारीखी काम था। तो ये तमीजुद्दीन के दिन का आपने जिक्र किया, उसके मुकदमे के बाद इनको कहा हमसे जो सीनियर कारकुन थे मंजर आलम वगैरह कि आप कराची में दफ्तर की बात है, तो इनके पास 5,000 रुपये नहीं इनका, जो कि पगड़ी का कम से कम 3,00,000 मिल रहा है।